अच्छा मुझे ये बताओ, वो जायदाद का क्या बनेगा? उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, जायदाद तो उसी के पास रहेगी ना। क्यों क्यों क्यों, उसके पास क्यों रहेगी? जब बच्चा मेरे पास होगा तो जायदाद भी तो मेरे पास आएगी ना। अरे भाई, उसके लिए या तो हमें फैमिली कोर्ट में अलग से जाना पड़ेगा, या फिर आप एक काम करें, उसके साथ सेटलमेंट कर लें। कैसी सेटलमेंट? देखिए, बीवी तो अभी वो आपकी है, सेटलमेंट कर लेंगे तो बीवी भी आपकी, बच्चा भी आपका और जायदाद भी आपकी। मेरा काम था आपको गाइड करना, सोच के जवाब दीजिएगा। सेटलमेंट तो करूंगा, बच्चे और जायदाद के साथ इसको सड़ाऊंगा जेल में। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हें सलाखों के पीछे देखकर, खास तौर पर अपने बच्चे को देखकर। कुछ तो एहसास करो इसका। खैर, जो भी हो, सारी जिंदगी हमेशा इस बच्चे के साथ इसके बाप का नाम ही रहेगा, यानी कि मुराद अली का नाम। रोजे महशर फिर भी माँ के नाम से ही उठाया जाएगा। अरे तुम क्या बात करती हो रोजे महशर की, तब ये सवाल नहीं होगा कि अपने शौहर का हक नहीं दिया तुमने, और एक शौहर के होते हुए तवज्जो दूसरी तरफ थी तुम्हारी। खैर, जो भी है, मुझे मालूम है ये सब गलत ही हुआ है। हाँ, मैं जिंदा बच गई, आपके नजदीक ये गलत है? सलाखों के पीछे जाकर भी तुम्हारी जुबान बंद ना हुई, यही फसाद की जड़ है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सड़ी हुई जिंदगी से दूर कर दूं। हम लोग बाहर खुद ही सेटलमेंट कर लेते हैं, क्या ख्याल है? कैसी सेटलमेंट? ये बच्चा मुझे दे दो। कभी। ये बच्चा मुझे दे दो और इसके हिस्से की जायदाद भी मेरे हवाले करो, और तुम भले रफू चक्कर हो जाओ, उस मेहरान के साथ कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। मेहरान का इस सबसे क्या ताल्लुक? तुम बताओ वो कहां से आया? मर्जी है तुम्हारी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें यहां सड़ना है या एक आजाद पंछी की तरह आजादी की जिंदगी गुजारनी है, जजा या सजा। मैंने सजा और जजा का फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। बच्चा तो अपना मैं ले लूंगा तुमसे, देखना करता क्या हूं। पड़ी आई।